हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एसिमिलेशन पार्ट टू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नाइट्रोजन किस तरह से इनकॉर्पोरेट हो रहा है, एक तरह से उसको कैसे फिक्स किया जा रहा है, वो कैसे इनकॉर्पोरेट हो रहा है प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, बाय प्लांट्स इट्सेल्फ, ठीक है। और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिव पाथवेज की बात हो रही थी कि एमोनिया एसिमिलेशन के ऑल्टरनेटिव पाथवेज क्या हैं। उसी में से एक पाथवे है एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज एंड एस्पेरजिन सिंथेटेज, जिसमें एस्पेरजिन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इसको कैटलाइज कौन करता है? एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइसोसोम एंड परोक्सीसोम्स में ये एंजाइम मिलता है। ये फर्स्ट एंजाइम है एंड सेकेंड एंजाइम विच टेक पार्ट इन दिस पाथवे इज एस्पेरजिन सिंथेटेज। दिस इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ रूट एंड लीव सेल्स एंड इन नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स। तो रेगुलेशन की बात की जाए तो इसमें रेगुलेशन कैसे है कि किस तरह से डाइवर्जन होता है, कि कौन सा पाथवे फॉलो होगा। अगर कंडीशंस जो हैं एम्पल एनर्जी वाली हैं, एनफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं प्लांट में या सेल में, यानी कि हाई लेवल्स ऑफ लाइट है एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है सेल में, तो वो जीएस एंड जीओजीएटी जो हैं उन पाथवेज उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं और एस्पेरजिन सिंथेटेज जो था उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो जो इससे पहले हमने लेक्चर में पाथवे पढ़ा था, ग्लूटामिन जिसमें बनता है या ग्लूटामेट जिसमें हम बना सकते हैं, तो वो वाला पाथवे प्रमोट होता है, जबकि ये एस्पेरजिन बनने वाला पाथवे जो है इनहिबिट होता है अगर हाई एनर्जी कंडीशंस हैं, यानी लाइट एंड कार्बोहाइड्रेट्स एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट है। और इससे क्या फ़ायदा होता है? इट फेवर्स नाइट्रोजन एसिमिलेशन इनटू ग्लूटामिन एंड ग्लूटामेट, विच आर कंपाउंड्स दैट आर रिच इन कार्बन एंड पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्लांट मटीरियल, ठीक है। तो प्लांट के लिए न्यू मटीरियल जो है एक तरह से उसकी ग्रोथ में उसमें हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, अगर एनर्जी लिमिटेड होगी, यानी लाइट कम है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है, तब जीएस एंड जीओजीएटी पाथवे जो था वो इनहिबिट होगा, लेकिन एस्पेरजिन सिंथेटेज का पाथवे जो है, एएस पाथवे जो है, वो स्टिमुलेट होगा एंड दिस फेवर्स नाइट्रोजन एसिमिलेशन इनटू एस्पेरजिन, ठीक है। और एस्पेरजिन क्या है? एक कंपाउंड दैट इज रिच इन नाइट्रोजन एंड सफिशियंटली स्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसको ट्रांसपोर्ट में ये बहुत हेल्प करता है। इस फॉर्म में नाइट्रोजन इजीली ट्रांसपोर्ट होता है एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज, नाइट्रोजन का प्लांट के अंदर लॉन्ग टर्म स्टोरेज में भी ये फॉर्म जो है, कंपाउंड जो है, हेल्प करता है। सो दीज वर द ऑल्टरनेट पाथवेज जिनसे कि एमोनिया या नाइट्रोजन बेसिकली जो है प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप रिएक्शंस देख सकते हो कि एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज क्या करता है? अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, ग्लूटामेट एंड ऑक्सलो एसिटेट में से ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा एंड जिससे क्या होगा, रिजल्टिंग हमारे पास एस्पार्टेट एंड टू ऑक्सो ग्लूटारेट जो है ये हमारे पास बनकर आ जाएगा, ठीक है। अब जो एस्पार्टेट बना है ये फिर ग्लूटामीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एस्पेरजिन सिंथेटेज, और यहाँ पर एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा और रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, एक एस्पेरजिन एंड एक ग्लूटामेट मॉलिक्यूल डीजनरेट होगा, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द ऑल्टरनेटिव पाथवेज। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो
हमने एस्पेरेजिन सिंथेटेज की जो हम बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमने मेंशन किया नाइट्रोजन फिक्सिंग मॉड्यूल्स। तो अब तक जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ रहे थे वो था बाय प्लांट इटसेल्फ। आगे जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे वो होगा प्लांट का नाइट्रोजन फिक्स करना विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया या एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्स करना। एक्चुअल में इसमें प्लांट नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता, वो एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है या एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करके उसको नाइट्रोजन जो है ट्रांसफर करते हैं उसके पास। तो वो टॉपिक हम देखते हैं, प्लांट्स एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और कैसे हेल्प करते हैं, वो प्लांट की रूट्स जो हैं उनको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और इस रिलेशन को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें एक दूसरे को हार्म नहीं हो रहा है, प्लांट से बैक्टीरिया को फूड मिलता है और रिटर्न में बैक्टीरिया जो है प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, ठीक है। तो होस्ट प्लांट की अगर बात करें, लेग्यूमिनस प्लांट है जैसे पार्सपोनिया है, उसमें एजोराइजोबियम है, ब्रेडी राइजोबियम है, फोटो राइजोबियम है, सिंपल राइजोबियम है एंड साइनो राइजोबियम है। ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि लेग्यूमिनस यानी लेग्यूम प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उनकी रूट्स में उनके साथ एसोसिएट होकर। फिर है एक्टिनोराइजल जो होंगे उसमें आ जाता है, ट्री आ जाते हैं उनमें, एग्जांपल है फ्रेंकिया। एंड फिर है गनेरा प्लांट का नाम है, ये होस्ट प्लांट है, इसमें नॉस्टोक जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। शुगर के इसमें एसिटोबैक्टर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा नाम याद रखने ज़रूरी है क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड हमारे कॉलेज एग्जाम्स में भी इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर प्लांट किस बैक्टीरिया से या किस ऑर्गेनिज्म से जो है नाइट्रोजन, किस ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में है फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, सियानोबैक्टीरिया हैं उसमें आ जाता है, एनाबेना, कैलोथ्रिक्स, नॉस्टोक, ये फ्री लिविंग भी हैं। नॉस्टोक जो है एसोसिएशन में भी एक तरह से नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है एंड फ्रीली भी कर सकता है। अदर बैक्टीरियाज में आ जाएगा एरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे वो एजोस्पायरलम है, एजोटोबैक्टर है, बिजर्निका है एंड डगजिया है। फैकल्टेटिव में क्या होंगे, बेसिलस है, क्लेबसियला है। और एनएरोबिक की बात करें तो उसमें नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, उसमें क्लोस्ट्रीडियम है, मेथेनोकोकस है। एंड फोटोसिंथेटिक एनएरोबिक बैक्टीरिया में क्रोमेटियम है एंड रोडोस्पायरलम है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, कैपेबल हैं फ्री लिविंग कंडीशन विदाउट एसोसिएशन विद प्लांट, ठीक है। यहाँ पर कुछ और प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जो कि बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन एक तरह से बैक्टीरिया उनके साथ करता है, उनके लिए करता है। तो जैसे एजोराइजोबियम है, सेस्बेनिया के लिए करता है, सेस्बेनिया प्लांट का नाम है, होस्ट यहाँ पर प्लांट के लिए है। ब्रेडी राइजोबियम जेपोनिकम है, ये सोयाबीन ग्लाइसिन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइजोबियम मेलिलोटी है, मेडिकागो में करता है, मेलिलोटस प्लांट जो है इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है इसकी वेराइटी विसिया लथायरस लेंटल्स पाइसन एंड विसिया इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। वेराइटी ट्राईफोलिया ट्राईफोलियम में करती है। एंड फेसियोला जो है फेसियोलस बीन जो होती है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ऐसे ही राइजोबियम लोटाई जो है लोटस
बर्ड्स वो ट्री फॉल जो है उसमें हाइड्रोजन फिक्सेशन करता है. दिस इज हाउ प्लांट्स रूट लुक लाइक व्हेन दे आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. इस तरह से नोड्यूल्स बनते हैं. नोड्यूल्स एक्चुअल में क्या है, एक मास ऑफ सेल है जिसमें ज़्यादातर सेल्स जो हैं वो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होंगे, उनमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं बहुत सारे. स्पेशली ये डिवीजन जो होती है, ये नंबर ऑफ सेल्स जो हैं प्लांट पर्टिकुलर एरियाज में कुछ रीजन में जो है पेरिसाइकल या उसके कॉर्टेक्स के सेल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं और सेल प्रोवाइड करता है प्लांट फॉर बैक्टीरिया इन्फेक्शन. ठीक है, इन न्यूली फॉर्म्ड सेल्स में एक सेल मास जो बना है नए सेल्स की वजह से, मल्टीपल डिविजन्स हुई हैं और एक स्वॉलन मास बनता है एक तरह से जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, तो वो वहाँ पर उस पर्टिकुलर रीजन में वो बैक्टीरिया को स्पेस प्रोवाइड करते हैं. बैक्टीरिया उन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं या इनहिबिट करते हैं एंड वहाँ पर रहकर मौजूद रहकर फिर वो ग्रो करते हैं एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. तो इस तरह से ये रूट नोड्यूल्स जो हैं ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, अ मास, सेलुलर मास है एक तरह से, बहुत सारे मल्टीपल सेल्स का बना हुआ जो कि एक स्पेस है बैक्टीरिया को प्रोवाइड किया गया है ताकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके उन सेल्स में रहते हुए. ठीक है, प्लांट के सेल्स में रहते हुए. सो दिस इज अबाउट हाउ नोड्यूल्स लुक लाइक विच आर इन्फेक्टेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ओके, अब हम देखते हैं कि ये स्टार्ट कैसे होता है. इससे स्टार्ट करने से पहले एक बार हम कुछ इसमें टर्म्स आती हैं, नोड्यूलिन, नोड्यूलेशन, फ्लेवोनॉइड्स, फैक्टर्स, तो एक बार ये देख लेते हैं होता क्या है. सबसे पहले है नोड्यूलिन. इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो ये एक्चुअल में नोड्यूल स्पेसिफिक जीन है प्लांट के अंदर. इसको लिखने का तरीका कैपिटल एन ओ एन डी जो है ये होगा और इटैलिक्स में लिखा जाएगा. जीन्स के जो नाम होते हैं वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिंपल लेटर्स में लिखे जाते हैं. ठीक है, तो कैपिटल एन से जो है जीन वो प्लांट में है. ऐसे ही एक जीन है नोड्यूलेशन जिसकी जिसको हम लिखेंगे स्मॉल एन से. ठीक है, वो बैक्टीरिया के अंदर होती हैं. ठीक है, वो भी नोड्यूल स्पेसिफिक होती हैं. अब एक नोड जीन है, बैक्टीरियल नोड्यूलेशन जीन है नोड डी. ठीक है, जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है ये एक टाइप का प्रोटीन सिंथेसाइज करती है नोड डी. ठीक है, अब आइसोफ्लेवोनॉइड्स प्लांट सिक्रीट करता है, उसकी रूट सिक्रीट करते हैं, वो इस नोड डी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं. पहले तो सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है ऑटोमेटिकली, और जब वो बैक्टीरिया इन आइसोफ्लेवोनॉइड्स को एक तरह से परसीव करते हैं, उनको ये आइसोफ्लेवोनॉइड्स उन बैक्टीरिया तक पहुंचते हैं, तो उनके अंदर जो नोड डी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है. जब नोड डी प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर एक्टिवेट हो जाता है तो वो दूसरे नोड्यूलेशन जीन्स को एक्टिवेट करता है जो कि हेल्प करते हैं किसमें, नोड्यूल फॉर्मेशन में एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले वो नोड फैक्टर सिक्रीट करता है बैक्टीरिया. ठीक है, और ये नोड फैक्टर्स जो हैं वो सिग्नल के फॉर्म में एक्ट करते हैं प्लांट के लिए. ठीक है, तो बैक्टीरिया सिग्नल एक तरह से सिक्रीट करता है एंड दे आर नोन एज नोड फैक्टर्स, और इन नोड फैक्टर्स को प्लांट एज ए सिग्नल परसीव करता है. अब यहाँ डायग्राम में देख सकते हो ये एल आर आर डोमेन एंड एल वाई एस डोमेन, ये एक्चुअल में एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, रिसेप्टर प्रोटीन है. कॉमनली ये लेक्टिन टाइप का होता है, एल ई सी टी आई एन, लेक्टिन जो है ये वो है, और लेक्टिन प्रोटीन है जो रिसेप्टर होता है.
अब ये रिसेप्टर लॉर्ड वेक्टर को रिसीव करेगा जो कि बैक्टीरिया से आया है, ठीक है। ये जब इसको रिसीव करता है तो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज हो जाता है। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्टर है, बाहर से अंदर की तरफ जो कैल्शियम आयन लेकर आता है वो ट्रांसपोर्टर, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। जब कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो प्रोटीन काइनेसिस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और प्रोटीन काइनेसिस जो है आगे चलकर जीन्स जो हैं जिससे कि नोड्यूल्स बनते हैं या नोड फॉर्मेशन में या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो भी प्लांट की तरफ से कंट्रीब्यूशन होना होता है उन जीन्स को वो एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिग्नलिंग, हाउ नोड फैक्टर्स एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फॉर प्लांट, ठीक है। इस तरह से सिग्नल मिलने पर प्लांट अपने आप को रेडी करता है नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने के लिए, स्पेस प्रॉपर स्पेस एंड कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए। अब देखते हैं स्टेप्स क्या है नोड्यूल फॉर्मेशन में। सबसे पहले ये एक जनरल से बेसिक से स्टेप्स हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले कॉलोनाइजेशन होगी राइजोस्फीयर में। राइजोस्फीयर क्या है, रूट और उसके आसपास का एटमोसफेयर, जो भी उसके आसपास एनवायरमेंट है वो राइजोस्फीयर कहलाएगा। तो वहाँ पे केमिकल अट्रैक्टेंट्स जो प्लांट ने सिक्रीट किए थे उनके उनको परसीव करते हुए वहाँ बैक्टीरिया बहुत सारे मूव कर जाते हैं, उसके आसपास बैक्टीरिया आ जाते हैं, रूट के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे स्टिमुलेट रूट हेयर ग्रोथ, ठीक है। पहले तो प्लांट ने सिग्नल या कीमो अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स सिक्रीट किए, बैक्टीरिया ने वो परसीव किए सिग्नल, ठीक है, एंड बैक्टीरिया ने फिर इन रिटर्न रूट हेयर ग्रोथ प्रमोट की रूट्स, प्लांट रूट्स, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रूट हेयर्स जो है वो कर्ल होंगे, ठीक है, रूट हेयर में कर्लिंग होगी और कर्ल होने के बाद जो है सेल वॉल है रूट हेयर की वो डिजॉल्व हो जाएगी। सेल वॉल डिजॉल्व होने से बैक्टीरिया रूट हेयर में एंटर कर जाएगा, ठीक है। फिर बैक्टीरिया में एंटर करने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लांट की वो एज इट इज रहती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जैसे जैसे बैक्टीरिया मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट अंदर की तरफ फोल्ड होती जाती है, ठीक है। सिर्फ सेल वॉल यहाँ पर डिजॉल्व हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट की डिजॉल्व नहीं हुई है। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया अंदर मूव कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अंदर 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 की तरफ मूव करती जाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो अंदर की तरफ इमेजिनेट होगी एंड इस जब वो अंदर की तरफ मूव करती है तो एक थ्रेड लाइक पाथवे बन जाता है जिसको इन्फेक्शन थ्रेड कह सकते हैं, क्योंकि उस पाथवे में उस पैसेज में सारे बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है, जो कुछ एक हद तक अंदर जाने के बाद पेनिट्रेट करने के बाद रूट को जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक तरह से डिफ्यूज हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, ब्रेक हो जाती है या फ्यूज हो जाती है, और जो ये बैक्टीरिया हैं ये सेल्स में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लिकेशन कम कर देंगे, डिवीजन कम करेंगे, एनलार्जिंग एंड डिफरेंशिएशन ये स्टार्ट होता है बैक्टीरिया के सेल्स, ठीक है। एक बार जब रूट कॉर्टेक्स या पेरिसाइकल के जो सेल्स थे उनके अंदर जब बैक्टीरिया एंटर कर जाता है आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफ्यूजन या आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से डिजोल्यूशन, जब वो कॉर्टेक्स या पेरिसाइकल के सेल्स के अंदर बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन स्लो डाउन हो जाती है,
सेल डिवीजन स्लो डाउन हो जाती है बैक्टीरिया की, बट एनलार्जमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, और तब जो स्पेशलाइज्ड फुल्ली ग्रोन जो बैक्टीरिया बनता है वो बैक्टीरॉयड कहलाता है, ठीक है, और वो कैपेबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ठीक है। नाउ बैक्टीरॉयड जो है इट इज सराउंडेड बाय पेरी बैक्टीरॉयड मेम्ब्रेन, उसकी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है जिससे वो पूरा सराउंडेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वही ऑलमोस्ट वही स्टेप्स हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिटेल्स आ जाती हैं, फैक्टर्स जो है उनका मेंशन आ जाता है। तो किस तरह से होगा, सॉयल राइजोबिया परसीव केमिकल सिग्नल, ठीक है, जो कि आइसोफ्लेवोनॉइड्स हैं, ठीक है, या फ्लेवोनॉइड्स हैं फ्रॉम रूट, ठीक है, रूट से जो बैक्टीरिया हैं या रूट इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया राइजोबिया जो हम कहते हैं वो फ्लेवोनॉइड्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नोड फैक्टर्स रिलीज करते हैं, सेक्रेट करते हैं। नोड फैक्टर्स जो है वो रूट हेयर्स ग्रो करेंगे, रूट हेयर्स ग्रो करेंगे एंड रूट हेयर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है। रूट हेयर्स को कर्ल करने के बाद बैक्टीरिया रूट हेयर्स के अंदर एंटर करता है, सेल वॉल वहां से ब्रेक हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है और एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है जो अंदर की तरफ मूव करता हुआ कॉर्टेक्स सेल्स तक पहुंच जाता है रूट के, ठीक है। अब कॉर्टेक्स सेल्स में पहुंचने के बाद जो है कॉर्टेक्स जो थे, रूट का कॉर्टेक्स जो था एंड पेरिसाइकल थी, ये जो कुछ एक सेल्स हैं या कैम्बियल सेल्स, कैम्बियन सेल्स जो थे, इनमें जो प्लांट के जो कैम्बियम रूट कॉर्टेक्स सेल्स थे उनमें एक और सिग्नल पहुंचता है और वो सिग्नल होता है उनकी मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ प्लांट सेल्स इन दैट इन्फेक्टेड एरिया इंक्रीजेस, स्टार्ट्स टू इंक्रीज, ठीक है। जहाँ पर एक कॉर्टेक्स सेल्स था रूट का, वो मल्टीप्लाई करेगा और बहुत सारे रूट कॉर्टेक्स सेल्स बना देगा उस एरिया में, जिससे वो एक स्वॉलन नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। अब उन स्वॉलन नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर जो सेल्स हैं रूट के प्लांट के, उनके अंदर बैक्टीरिया एंटर करता है और ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। एज द नोड्यूल डेवलप इन्फेक्शन थ्रेड एंटर नोड्यूल सेल्स, एंड्रोइजोबिया आर रिलीज्ड फ्रॉम इन्फेक्शन थ्रेड इनटू दीज सेल्स स्टिल सराउंडेड बाय बैक्टीरियल एंड होस्ट मेम्ब्रेन। दे डिफरेंशिएटेड इनटू बैक्टीरॉइड्स और सिम्बायोसोम्स विच आर साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं किस तरह से बैक्टीरिया रूट सेल्स में एंटर करता है। सबसे पहले रूट हेयर, सबसे पहले वो रूट के आसपास आता है, नोड फैक्टर रिलीज करता है, नोड फैक्टर से रूट हेयर की ग्रोथ जो है वो स्टिम्युलेट होती है, ठीक है। रूट हेयर ग्रो करता है एंड कर्ल करना स्टार्ट करता है। कर्ल करता है जब वो, तो सेल वॉल जो है रूट हेयर सेल की ब्रेक हो जाती है और बैक्टीरिया अंदर की तरफ मूव करने लगता है इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर की तरफ, एपिडर्मिस में नहीं कॉर्टेक्स में जो है बैक्टीरिया अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कॉर्टेक्स के सेल्स जो हैं उनके अंदर डीपली जो है वो सेल वॉल के थ्रू मूव करता है ये इन्फेक्शन थ्रेड एंड अंदर के जो सेल्स होते हैं रूट के उनको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स जो हैं बैक्टीरिया के वो इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि रूट कैसे कर्ल होगी, रूट हेयर कैसे कर्ल होगी, इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा और अंदर जाकर वो नोड्यूल सेल्स में स्प्रेड हो जाएगा। अब ये जो है ये एक नोड्यूल का स्ट्रक्चर है
इसमें कैसे होगा? यहाँ पर देख सकते हो कॉर्टेक्स है, रूट होगी, एपिडर्मिस होगी, कॉर्टेक्स होगी, उसके बीच में जो रीजन होगा वहाँ नोड्यूल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा बाहर की तरफ, सेंटर में मेड्यूला होगा एंड बिल्कुल एंड में सेनेसेंट रीजन होगा। नोड्यूल मेरिस्टम जो रीजन है वहाँ पर नए सेल्स ऐड होते हैं, नए सेल्स बनते हैं, डिवाइड होते हैं, मेड्यूला में ग्रोइंग सेल्स होते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन होती है और एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सेशन रीजन होता है, और सेनेसेंट रीजन जो है वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता रूट सेल, ठीक है। तो नोड्यूल मेरिस्टम में लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होती, जबकि मेड्यूला एंड सेनेसेंट रीजन्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ठीक है। नोड्यूल मेरिस्टम का मेन फंक्शन होता है नए नोड्यूल रूट सेल्स जो है वो एक तरह से बनाना, प्रोड्यूस करना, ठीक है। इन सेल्स के अंदर जो मेडुला के अंदर सेल्स हैं और सेनेसेंट रीजन के अंदर जो सेल्स हैं प्लांट के, इन सेल्स के अंदर जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो ग्रो करता है एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी रूट मेड्यूला। यहाँ पर हम एक और डायग्रामेटिक वे में देख सकते हैं कि किस तरह से काम होता है। यहाँ देखो, सबसे पहले फ्लेवोनॉइड सिक्रीट हुआ, ल्यूटियोलिन जो है वो एक टाइप का फ्लेवोनॉइड ही है, उसका उसी का एग्जांपल है। फ्लेवोनॉइड ने बैक्टीरिया के अंदर नोड जीन्स को एक्टिवेट किया, वहाँ से फिर हमारे पास नोड फैक्टर आया, नोड फैक्टर ने रूट हेयर की फॉर्मेशन प्रमोट की एंड देन उसकी कर्लिंग प्रमोट की। कर्ल होने के बाद इन्फेक्शन थ्रेड बनता है और अंदर की तरफ जो है कॉर्टेक्स की तरफ बैक्टीरिया मूव करते हैं एंड लास्ट में रूट नोड्यूल बनता है, मल्टीपल सेल्स बनते हैं, कॉर्टेक्स के सेल डिवाइड करते हैं एंड दे फॉर्म नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर कौन रहा है, बैक्टीरिया के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है। एंजाइम दैट कैटालाइजेस नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बैक्टीरिया, दे आर डाइनाइट्रोजिनेस या उनको नाइट्रोजिनेस भी कहा जाता है। नाइट्रोजन क्यों कहा गया, नाइट्रोजन क्या है एक्चुअली, बेसिकली N2, यहाँ पर N2 की बात हो रही है। N2 जो है वो 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तरह से, तो इसलिए डाई नाइट्रोजिनेस कहते हैं टू बी मोर प्रिसाइज, बाकी जनरली उसको नाइट्रोजिनेस नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इट इज़ अ मल्टीमेरिक प्रोटीन, ठीक है, बहुत सारे इसमें एक तरह से पार्ट्स हैं जिसमें 2 मेन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, 2 लार्ज प्रोटीन्स हैं डिफरेंट साइजेस के, ठीक है, बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं और जिसमें से स्मॉलर जो है वो डायमर है, यानी उसके 2 पार्ट्स, 2 एक तरह से फॉर्म प्रेजेंट होंगे, 2 कॉपीज प्रेजेंट होंगे एक तरह से, वो है आयरन प्रोटीन, यहाँ नीचे स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है, which contain 4 iron bound to 4 sulfur groups, ठीक है, iron sulfur protein ही है ये एक तरह से, और एक larger है जो कि tetramer है molybdenum iron protein का, ठीक है। यहाँ देख सकते हो ये तो diamer है smaller region smaller part, और ये tetramer है dinitrogenase जो कि मॉलिब्डेनम आयरन का कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा एक नाइट्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें डाइनाइट्रोजिनेस भी है और एक जो छोटा पार्ट था इस एंजाइम का डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज, वो पैराडॉक्सिन की प्रोडक्शन से एसोसिएटेड होता है, इसलिए उसको डाइनाइट्रोजिनेस रिडक्टेज कहते हैं, जबकि
जो उसका बड़ा पार्ट है, लार्जर पार्ट है, वो जो है नाइट्रोजन बना रहा है, डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना रहा है, इसलिए उसको डाई नाइट्रोजनेज कह सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये बड़ा सा एक एंजाइम है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके छोटा पार्ट जो है वो तो आयरन सल्फर प्रोटीन होगा जो कि रिडक्शन से एसोसिएटेड है, एंड जो बड़ा पार्ट है उसके चार एक तरह से सब पार्ट्स हैं जो कि सारे मॉलिब्डेनम एंड आयरन जो है वो वाले प्रोटीन, टेट्रामर एंड डाइमर। जहाँ पर दो पार्ट्स होंगे वहाँ डाइमर, जहाँ चार पार्ट्स हैं वहाँ टेट्रामर। सो बोथ आर रैपिडली एंड इरिवर्सिबली इनएक्टिवेटेड बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो वो इस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, इसी वजह से अगर आपको ध्यान हो, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में होती है तो वहाँ ऑक्सीजन का एक तरह से कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना पड़ती है, बिकॉज उस बैक्टीरिया के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो इजीली उसके लिए इससे इनएक्टिवेट हो सकता है। तो ये जो रिएक्शन कैटेलाइज करता है वो ये होती है, एक नाइट्रोजन, ठीक है, एंड 16 एटीपीस, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए 16 एटीपीस चाहिए होते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं एंड 8 प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम क्या इससे बनाता है, हमें दो अमोनिया देता है, एक हाइड्रोजन देगा एंड 16 एडीपी देगा। ठीक है, तो दिस वाज द रिएक्शन व्हिच इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम इन बैक्टीरिया। ठीक है, मॉलिक्यूलर डाई नाइट्रोजन से अमोनिया बना। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये जो हाइड्रोजन बना है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बनता है, इट इज टेकन अप बाय अपटेक हाइड्रोजनेज। अपटेक हाइड्रोजनेज एक एंजाइम का नाम है, ठीक है, विच कपल्स द हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन टू एटीपी फॉर्मेशन, जो इसको यूज करता है एटीपी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, फिर जो फिक्स नाइट्रोजन है, अमोनिया जो बना है, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू जाइलम सैक इन द फॉर्म ऑफ एमाइड्स। स्पेशली एमाइड्स जो हैं वो टेम्परेट रीजन के लेग्यूम्स जो होते हैं उनमें मेन ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म है नाइट्रोजन की, फिक्स नाइट्रोजन की, एग्जाम्पल पी, क्लॉवर, लेंटिक, ब्रॉड बीन्स, इनके अंदर फिक्स्ड नाइट्रोजन एमाइड की फॉर्म में ट्रेवल होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। जबकि ट्रॉपिकल लेग्यूम्स हैं, एग्जाम्पल सोयाबीन, किडनी बीन, पीनट, ये यूरेट्स की फॉर्म में जो है नाइट्रोजन जो फिक्स्ड की है बैक्टीरिया ने, वो यूरेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, ठीक है, थ्रू जाइलम सैप। मेजर अमाइड्स जो हैं वो एस्पेरेजिन एंड ग्लूटामिन हैं, और मेजर यूरेट्स जो हैं वो एलेंटोइन हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड इन पेरोक्सीसोम्स, एलेंटोइक एसिड विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एलेंटोइन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सिट्रुलिन विच कम्स फ्रॉम ऑर्निथिन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स ऑफ एमाइड्स एंड यूरेट्स 1 मार्क क्वेश्चन में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है बहुत बार। तो दूसरा, एस्पेरेजिन जो है वो खासकर लेग्यूम्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा इजीली ट्रांसफर किया जाता है, एंड ग्लूटामिन जो है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा ट्रांसफरिंग फॉर्म होती है, जो कॉमन ट्रांसफर फॉर्म होती है, ट्रांसफरेबल फॉर्म होती है फिक्स्ड नाइट्रोजन की। ठीक है, इसको एक बार फिर से बता दूं मैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होंगे उसमें नाइट्रोजन फिक्स होने के बाद एस्पेरेजिन की फॉर्म में
ज़्यादा इजीली ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में फिक्स्ड नाइट्रोजन ग्लूटामिन की फॉर्म में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर थोड़ा सा वही मेंशन है कि जीन्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया आर नॉट जीन्स, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं, और निफ जीन्स ये ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं एंड इट डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर निफ जीन्स की से जो है एक्सप्रेस होता है। ऐसे ही नोडुलिन जीन्स हैं जो कि प्लांट की जीन्स हैं जो कि नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। नीचे एलेंटोइक, एलेंटोइन एंड सिट्रोलिन जो है उनके स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, और लास्ट में हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल। अब ऑक्सीजन लेवल्स किस तरह से रेगुलेट किए जाते हैं, तो ज़्यादातर जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिक होते हैं, तो उनमें इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन सियानो बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे सियानो बैक्टीरिया है उनमें क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो स्ट्रक्चरली आइसोलेटेड हेट्रोसिस्ट, जो कि स्पेशल सेल्स होते हैं उनमें की जाती है। रूट मॉड्यूल्स में अब क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्री लिविंग है वो एनारोबिक कंडीशंस में होते हैं ज़्यादातर। साइनोबैक्टीरिया है उसके पास हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है जो कि बहुत अच्छे से स्ट्रक्चरली आइसोलेटेड सेल है। तो बची बात रूट मॉड्यूल्स की, जो रूट जो वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो रूट मॉड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो वहाँ पर हेल्प होती है लेग हीमोग्लोबिन की। लेग हीमोग्लोबिन रेगुलेशन रेगुलेट करता है ऑक्सीजन लेवल्स को। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक मोनोमेरिक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, विच इज सिंथिसाइज्ड बाय होस्ट प्लांट सेल्स, ठीक है, इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया। वो प्लांट सेल्स जो कि बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, जिनको हम बैक्टीरॉयड कहते हैं, उन सेल्स को हम बैक्टीरॉयड कहते हैं, तो उन सेल्स में ये लेग हीमोग्लोबिन जो है सिंथिसाइज होता है। जब हम बैक्टीरॉयड को या इन सेल्स को जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, जो उन सेल्स को हम कट करते हैं, नोड्यूल को जब हम कट करते हैं, तो वो पिंक कलर का हो जाता है इसी पिगमेंट की वजह से। ठीक है, इस प्रोटीन की वजह से। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन तो इट इज़ स्ट्रक्चरली सिमिलर टू मैमेलियन हीमोग्लोबिन, जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है उससे काफ़ी सिमिलर है स्ट्रक्चरली, एंड फंक्शन में भी ये काफ़ी हद तक सिमिलर है, बाइंडिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, जो कि हीमोग्लोबिन का ही काम है। बट यहाँ पर क्या इसके पास स्पेशल वो है, पावर क्या है कि इट इज़ 10 times more, इट हैज़ 10 times more बाइंडिंग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन से 10 गुना ज़्यादा इसमें एफिनिटी है ऑक्सीजन से बाइंड करने की, और इसकी हेल्प से, इस फीचर की हेल्प, कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से ये इजीली कम कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन की आसपास, अगर जैसे देखो एक स्पेस है वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, और वो बहुत कम किस लिए है, ताकि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम है बैक्टीरिया के अंदर वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो उस कम कंसेंट्रेशन में ये लेग हीमोग्लोबिन जो है ये थोड़े से ऑक्सीजन को भी कैप्चर करेगा और बैक्टीरिया की रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोवाइड करेगा ताकि वो एनर्जी फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या है कि बहुत ही लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन को कैप्चर करना और बैक्टीरिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम, जो कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है लेग हीमोग्लोबिन का।
यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन किस तरह से रेगुलेट की जाती है। प्लांट्स में जो आउटरमोस्ट सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स की, वो एक ऑक्सीजन परमीएबिलिटी बैरियर बनाते हैं, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन इजीली जो है एंटर नहीं कर पाते, ठीक है। और साथ ही हाई एफिनिटी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है। अगर याद हो माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज था जो कि ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीजन को यूज करता है जिससे एटीपी फॉर्मेशन जब होती है, तो वो बहुत हाई एफिनिटी का होता है। साथ ही वहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। लेग हीमोग्लोबिन बहुत कम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में भी ऑक्सीजन कैप्चर करेगा और इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज तक पहुंचा देता है। सो दिस इज द मेन ऑक्सीजन कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इन रूट मॉड्यूल्स, ठीक है। एक तो पहले ही उसने बैरियर बना दिया सेल्स का कि ऑक्सीजन इजीली वहां से एंटर नहीं कर सकती रूट मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। दूसरा, जो अब वहां पर लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का रीजन डेवलप हुआ है मॉड्यूल के अंदर बैरियर की वजह से, वहां पर लेग हीमोग्लोबिन थोड़ी सी ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसको कैप्चर करेगा और हाई एफिनिटी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज तक पहुंचा देगा ताकि वो एटीपी फॉर्मेशन कर सके बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन रूट मॉड्यूल्स, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम है डाइनाइट्रोजिनेस वो इनएक्टिवेट ना हो जाए और फंक्शन करना बंद ना कर दे, ठीक है। ओके देन, दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इट्स एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में हमने स्टडी कर लिया था कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। एक तो ग्लूटामेट, ग्लूटामिन है, ग्लूटामेट है, फिर जो है यहाँ पर एस्पेरेजिन है, ये बन रहा है, ये सब एसिमिलेशन में आ जाते हैं। इसके अलावा प्लांट जो है वो एक तो खुद नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है, नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करेगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, फिर एमोनिया में कन्वर्ट करेगा। दूसरा, वो बैक्टीरिया की हेल्प लेता है और फिर बैक्टीरिया उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है। वो डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेता है और उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अब इन दोनों मेथड से, बैक्टीरिया से या प्लांट ने खुद ने जो अमोनिया बनाया है वो अब इनकॉर्पोरेट होगा प्लांट के अंदर, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर, ठीक है, उसका पार्ट बनेंगे और उसको कहते हैं एसिमिलेशन। वो होता है एस्पेरेजिन के थ्रू, ग्लूटामिन की फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक पूरा जो है आज आपका नाइट्रोजन का, जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का जो टॉपिक था वो कवर हो गया है। इस टॉपिक में अगर कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। ओके देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।